भागलपुर की सबौर थाना के थाना प्रभारी विवेक जायसवाल लगातार सुर्खियों में है। ताजा मामला डायल 112 पुलिस टीम के ड्राइवर के साथ मारपीट करने का है। इसको लेकर डायल 112 की पुलिस टीम ने पुलिस लाइन में जमकर प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार कल 112 की पुलिस टीम का ड्राइवर अमित कुमार, जो सबौर थाना में ही पदस्थापित है, जब सबौर थाना पहुंचा तो सबौर थाना प्रभारी से ड्यूटी करने को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद सबौर थाना प्रभारी विवेक जायसवाल और थाना के मुंशी के साथ 3-4 और सिपाही मिलकर ड्राइवर अमित कुमार को जमकर पीट दिया। इसको लेकर पूरे जिले के 112 की टीम भागलपुर की एसएसपी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इस मामले को लेकर ड्राइवर अमित कुमार ने कहा कि मुझे सीनियर पदाधिकारी की तरफ से आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अमित कुमार ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान भी सबौर थाना प्रभारी को जब हमने बोला था कि रात में ड्यूटी करने में परेशानी होती है, थाना में अतिरिक्त पुलिस है, 1-2 पुलिस हमें दे दिया जाए, तो उस समय उन्होंने मेरे साथ डांट फटकार की थी। आपको बता दे, 2 दिन पूर्व भी वारंटी को पकड़ने के लिए जब सबौर थाना प्रभारी वारंटी घर पहुंचा था तो वहां वारंटी की मां को भी जमकर पीटा था। मैं सिपाही अमित कुमार यादव सबौर थाना का ईआरबी ड्राइवर हूं। हां, मेरे साथ मारपीट हुआ सबौर थाना के अंदर में, इसी का कंप्लेंट करने के लिए यहां पे आए थे। एसएचओ विवेक कुमार जायसवाल और एक दूसरे साइड में जो पकड़ रखा था वो वहां का मुंशी है, और बाकी सिपाही वगैरह जिनको वो बुलाए, सिपाही वगैरह जो आया वहाँ पे, तो उनका तो नाम वगैरह नहीं जानता हूँ। सिपाही वही ड्यूटी के दरमियान का ही कारण है सर, कि जैसे पीछे भी ड्यूटी में हुआ था जो उनसे, जिसका उनको था, इलेक्शन के बाद से हमने अभी तक थाना के तरफ नहीं गए थे, वो जब परसों गए ना तो वो ऐसा किया करके, क्योंकि हम उनसे दूरी बना के रहते थे, जाएंगे उधर तभी गाली गुली सुनेंगे, जब इन्हें करेंगे किस लिए गाली सुनेंगे। पहले भी ऐसे हुआ था एक बार इलेक्शन के टाइम पे, उस टाइम पे भी रिपोर्ट वगैरह हुआ था सर को, तो उस टाइम पे तो सर बोले थे ठीक है मैं आपको 2 चौकीदार देता हूँ, इलेक्शन का टाइम है, थोड़ा मैन पावर का प्रॉब्लम है, तो आप अभी ड्राइवर भी अधिकारी भी हैं, टैप भी देखिएगा और केस को हैंडल कीजिएगा और कोई रिपोर्ट ना आए बाबू। मैं बोला ठीक है साहब जी, अगर जवाबदारी देते हैं तो कोई रिपोर्ट नहीं आएगा। तो मैं 10 दिन तकरीबन लगता है कि अपने चौकीदार के भरोसे केस वगैरह भी देखा तीनों ड्राइवर मिल करके, और रात वगैरह में अभी कोई ड्राइवर नहीं, एक पीटीसी रहता है, अभी 3 ड्राइवर हैं, वो जो डेंजर एरिया उस साइड का रात को अगर कॉल आता है तो मैं अपना जो ड्राइवर रेस्ट में है उनको डर से लेके जाता हूँ कि आपके एरिया में आए आप चलिए, नहीं तब हमको मार देगा। थाना की तरफ से आप लोग को कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस पीटीसी जो एक है वही है और बाकी एक ड्राइवर। अभी सबौर थाना में अभी आए कहां पे? अभी एसपी सर से मिलने आए थे, मिले आश्वासन, लेटर एप्लीकेशन दिए, वो फॉरवर्ड किए, 3 दिन के अंदर बोले इसका मेरे टेबल के ऊपर चाहिए करके, हाँ चेक करके, क्योंकि हाँ 3 दिन के अंदर। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज अस्पताल के एमसीएच वार्ड में सीसीटीवी कैमरा, एसी व वेंटिलेटर समेत ईसीजी मॉनिटर चोरी करने की कोशिश हुई। हालांकि चोर वारदात को अंजाम देने में नाकामयाब रहा, क्योंकि धूप खिलने के समय वो सामान लेकर नहीं जा सका। स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग के रास्ते पीठ में बैग लटकाए चोर घुसा और स्क्रू ड्राइवर से पेंच खोलकर एमसीएच के ऑपरेशन थिएटर में रखे सामान की चोरी करने का प्रयास किया। 4 सीसीटीवी कैमरे भी उसने स्क्रू खोलकर उखाड़ लिए। मामले खुलासा तब हुआ जब अस्पताल के कर्मचारी ने मंगलवार को पड़ी तो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया, इसकी जानकारी मिली। अब फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की जा रही है। मामले को लेकर अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि चोरी की कोशिश करने की सूचना मिली है, इसके लिए हम सीसीटीवी फुटेज चेक करवा रहे हैं, पहचान होने के बाद उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। नगर निगम की सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त, महापौर, उप महापौर, नगर निगम के कर्मचारी और पदाधिकारी के साथ नगर निगम के सभी वार्ड के वार्ड पार्षद शामिल हुए। आज के इस बैठक में सभी पार्षदों की जो भी समस्या थी उस समस्या को गंभीरता पूर्वक नगर आयुक्त ने सुना और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वार्ड पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि इस कार्यकाल का 6ठा बैठक आज आयोजित किया गया था और इस बैठक में सभी वार्ड के वार्ड पार्षद ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं से नगर आयुक्त को अवगत कराया। नगर आयुक्त ने सभी को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा जितने भी काम नगर निगम का पेंडिंग है वो काम जल्द से जल्द पूरा होगा और सभी संवेदक को भी बुलाकर इस पर विचार किया जाएगा। आज सम्मान बोर्ड का 6ठा बैठक था। इस 6ठे बैठक में बहुत सारे पार्षदों ने जो अपना प्रस्ताव दिया, सारे प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नगर आयुक्त महोदय ने शीघ्र काम करवाने का आश्वासन दिया।
योजना शाखा पदाधिकारी जो आदित्य जायसवाल अभी फिलहाल बने हैं उनको निर्देश दिए हैं कि जो संवेदक काम स्टार्ट नहीं किया है, जिसका एग्रीमेंट हो गया है 6 महीना से काम स्टार्ट नहीं किया है, उसको बुलाएं और उसको हिजायत करें कि तुम तुरंत काम स्टार्ट करो, नहीं तो तुम्हारे काम को रद्द कर दिया जाएगा। एक प्रभावशाली ये निर्णय हुआ और छोटा छोटा बहुत सारा निर्णय हुआ जो पार्षदों के हित में और शहर के हित में आज जो निर्णय हुआ है, ये नगर आयुक्त का हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग इनके कार्यशैली से बहुत खुश हैं। क्या लगता है काम होगा? एकदम होना चाहिए। नगर आयुक्त के काम करने का जो तरीका है वह लगता है कि काम शहर में दिखेगा अब और काम करने के मूड में भी हैं। भागलपुर में एक महिला से धोखाधड़ी और ठगी का मामला सामने आ रहा है, जहां एक महिला से एटीएम में ही उसके एटीएम कार्ड को अज्ञात लोगों द्वारा अदला बदली कर लिया जाता है और उस एटीएम कार्ड से लगभग 50,000 की रकम निकाल ली जाती है। वहीं घटना के बाद पीड़िता घटना को लेकर स्थानीय थाने से लेकर साइबर थाने तक के चक्कर लगाती है, लेकिन किसी के द्वारा उसे केस तो दूर लिखित आवेदन तक भी उससे नहीं लिया जाता। वहीं थक हार कर जब पीड़िता एसएसपी के कार्यालय पहुंचती है तब जाकर उसे आश्वासन मिलता है कि आपका केस दर्ज किया जाएगा। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती की रहने वाली मीरा देवी है। वहीं पीड़िता मीरा देवी ने बताया कि असानंदपुर के चौक स्थित एक निजी बैंक के एटीएम में मैं और मेरा नाती एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे, जहां 2 अज्ञात अपराधी मोटरसाइकिल सवार आए और एटीएम में घुस गए। वहीं पैसे निकालने के बहाने उसका एटीएम कार्ड बदल लिया और एटीएम कार्ड से 50,800 रुपये निकाल लिया गया। जब मैं विश्वविद्यालय थाना पहुंची तो कहा कि यह साइबर थाना का मामला है, तुम साइबर थाना चले जाओ। जब मैं साइबर थाने पहुंची तो वहां कहा गया कि यह विश्वविद्यालय थाना का मामला है, मेरा केस कहीं भी दर्ज नहीं किया गया। तो मैं आज एसएसपी की कार्यालय पहुंची हूं। उन्होंने बताया कि यह पैसा लोन का था, वही मेरे अकाउंट में था। उन्होंने यह बताया कि अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी देख ले। चलो पैसा पहले चेक करो, चेक करा भी काला 40-50,800। हम बोले कि 20,000, वो बोला कि एटीएम से 20,000 निकलेगा, जहाँ से पैसा उठाएं इसको बोले कि 20,000 उठा लो। जैसे एटीएम घुसाए तैसे वो लोग के बाहर हम लोग सटा दिए, वो दोनों आया बस पूरा से धक्का मार को घुस गया इसके पीछे, एक दो खड़ा हो गया, एक दो बगल में खड़ा हो गया, हम वो बगल में खड़ा है। बस हम जो ये बच्चा का छोटी है उसको बोला वो की से बच्चा को उठाइए, इतने में किया बोला उसको है दाबिए है दाबिए, बस ये दाबने लगा और बोला कि फिर ये बच्चा को उठाइए। बस बच्चा जैसे उठाने लगा तैसे वो एटीएम अपना घुसा दिया दूसरा नाम को और हमारा एटीएम लेकर को तुरंत भाग गया मोटरसाइकिल से। आज 3 दिन हुआ जाए। पहले तो गया विश्वविद्यालय 2 दिन, वहाँ बोली कि माँ ही लेगा साइबर थाना में, वहाँ गए तो वहाँ बोला कि नहीं यहाँ नहीं होगा, माँ ही होगा विश्वविद्यालय में। घूम रहे तब से? हाँ घूम रहे, बाद दिन से सर गरीब आदमी है, पैसा उठाया भी है, पैसा निकाल लिया 40,000-50,800 सर। चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध
है उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। इन दिनों अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल भागलपुर में बढ़ा हुआ है। ताजा मामला हबीबपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक हाथ में हथियार लेकर अपने ही परिवार को धमकाने के लिए पहुंच गया, जिसका पीड़ित परिवार ने वीडियो भी बनाया और एसएसपी को उस वीडियो को दे दिया। बीते दिनों पीड़ित महिला के साथ मारपीट भी की गई थी, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में कराया गया था। बता दें कि जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के सदरुद्दीन चक निवासी स्वर्गीय मोहम्मद गुन्ना की 60 वर्षीय पत्नी बीबी बीनू को उसके रिश्तेदार मोहम्मद असलम, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद दिलदार और मोहम्मद रिक्की के द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया था। वहीं 20 जुलाई को पीड़िता महिला और उसकी बेटी मुस्कान के साथ मारपीट की गई थी, जिसको लेकर वो थाने पर भी गई थी और केस भी दर्ज कराया गया था। वहीं थाने के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करने कारण पीड़िता की बेटी एसएसपी से मिलने पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। वहीं मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि मेरे घर पर हथियार लेकर आता है और जान से मारने की धमकी देता है और यह भी कहता है कि अगर घर में रहोगी तो जान से मार दूंगा। वहीं जब मेरे साथ घटना हुआ तो मैं अपनी बड़ी बहन को भी बुलाई थी, अब उसे भी वो धमकाता और कहता है कि अगर तुम उसकी मदद करोगी तो तुम्हें भी जान से मार देंगे। मुस्कान ने बताया कि सिटी एसपी से मिली और उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है। हम आए थे एसपी को बोलने के लिए, हम अनवर नाम का जो लड़का है वो हमको घर घुस करके मारा था। किस कारण? मेरा घर जो है तो हड़पना चाह रहा है वो। वो कहता है क्या कि ना इनको पापा है, उनका सोच है मतलब ना उनको पापा है ना उसकी माँ है, मतलब ये है भाई है, तो सिर्फ हम लोग 3 बहन हैं, एक माँ है मेरी। और वो यही बात सोचता है कि मतलब जो है तो हम हड़प लें उसका घर, लोग मार पीट के घर से निकाल दें और हम कब्जा कर लें। तो मार के मेरे घर में एक बार ताला भी मार दिया था वो, तो अगल बगल का आदमी खुलवाया कि ये लोग कहाँ जाएगी, तो बगल अगल का आदमी खुलवा करके उसको जो है तो ये किया। तो उसके बाद जो है तो उसके बाद बगल अगल का आदमी हमको बचाया, माँ बेटी दोनों को। तो मेरी मतलब एक तो बगल वाली जो है तो मेरी बहन का घर थोड़ा रोड पे है, तो उसको गई बुलाने के लिए कि ए बुलना जब की चलिए चलिए आपको जो है तो बहन को माँ को बहुत मार रहा है वो लोग। तो मेरी बहन आई तो आकर के जो है तो हमको थाना लेके गई कि सदर मार मारी से मेरा ब्लेड भी मार दिया था मेरे माथे पे। तो उसके बाद जो है तो मेरे को थाना लेके गई, तो थाना वाले को हम बोले तो थाने वाला एक्शन लिया, वो आया आकर के जो तो हम बोले देखिए ऐसा ऐसा बात है, 3 दिन से वो गोली भी हम लोग को डरा रहा था। तो उसके बाद जो है तो हम छिपा करके उसका वीडियो किए, हमको डर लगा तो हम जो है तो उसका चुरा करके उसका वीडियो किए कि जो है तो हम जाके अगर कुछ भी ऐसा कार्रवाई होगा मेरे साथ तो हम जाके दिखाएंगे। तो वही हम गए तो जाकर हम थाना पे जाके दिखाए, तो थाने वाला वो लोग आए आकर के उसको समझा बुझा किए तो फिर वो चले गए। फिर उसके बाद कहता है फिर मेरी बहन आई कहलगांव से आती, तो वो आई थी घूमने फिरने के लिए। तो वो बोली क्या कि मतलब जो है तो हम जा रहे हैं माकन घूमने के लिए, तो वो आई तो उनको गोली सटा के कहता है कि जो है तो हम मार देंगे गोली, अगर फुप्पू के बाद अगर कोई भी अगर इस घर में रहा तो उसको हम खड़ा गोली मारेंगे। तो बाजी जो है तो मेरी डर गई, तो वो मेरी बहन रोड पे उनका घर है, तो वो बोली क्या कि है ना कि बाजी देखना गुलना जैसा ऐसा बात बोल रहा है, हम नहीं जाएंगे। तो कैसी कहे ना जा कि माँ का घर कोई माँ को छोड़ देगा, ना मेरे को पापा है ना मेरे को भाई है, बस 3 बहन हम लोग माँ को देखते हैं, हर चीज करते हैं, उनका देखभाल सब हम लोग करते हैं। और फिर उसके बाद मेरी बहन के दुकान पे चला गया, बिरयानी का दुकान है उनका, तो उनके दुकान पे जाके धमकाता है कि तेलोग अगर इस मैटर में आवेगा तो तेलोग को भी जान से मार देंगे, और तेलोग छोड़ा आवेगा ना मतलब टारगेट में मेरे बहन बनोई को भी लिए हुआ वो समझे। और उसके बाद जो है तो वो कहता है क्या किया ना कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा, आज ताला तो खैर कि आज लगे या कल लगे तुम्हारे घर पे ताला लगेगा, मेरी माँ के घर पे। आज हम एसपी साहब के यहाँ हम बोलने के लिए आए थे कि थाने वाला जो है तो एक्शन नहीं ले रहा है, थाने वाला जो है तो हम बोल रहे हैं बार बार, हम आज हम 10 दिन से हम थाने पे दौड़ रहे हैं और मतलब 5-6 दिन से हम यहाँ भी आ रहे हैं। सर ने वहाँ मतलब वीडियो मतलब करके बोला, उसको फोन किए कि देखो उसको गिरफ्तार लो, गोली लेके घूम रहा है उसको गिरफ्तार लो। अब पता नहीं सर वहाँ से क्या बोले नहीं बोले ये तो नहीं पता हमको, लेकिन सर मेरा नाम मुस्कान हुआ, हम सदरुद्दीन चक से हैं।
नौगछिया पुलिस को दो विभिन्न थाना क्षेत्र से बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों झंडापुर थाना को गुप्त सूचना मिली कि एनएच 31 पर लड्डू पेट्रोल पंप के पास एक खड़ी कार में अवैध हथियार है। पुलिस बल के सहयोग से विधिवत तलाशी के क्रम में उस खड़ी कार से झंडापुर पुलिस ने देसी कट्टा, अलग अलग हथियार के कई मैगजीन, जिंदा कारतूस व अन्य सामान बरामद कर लिया। वहीं दूसरी ओर रंगरा थाना क्षेत्र से दहेज के लिए एसिड का प्रयोग कर व गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। कांड की गंभीरता व गठित टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर उक्त हत्याकांड के दो अभियुक्त को दबोच लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। वहीं मृतिका सबनम खातून की बरामदगी हेतु पुलिस प्रयास कर रही है। जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नौगछिया SDPO ओम प्रकाश ने जी। ये 6 तारीख को करीब 10:30 बजे थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि NH31 स्थित लड्डू पेट्रोल पंप के पास एक जैन कार लगी हुई है जिसमें हथियार है और उसमें कुछ अपराधी या सप्लायर है। SP साहब को सूचना मिली इसकी, झंडापुर थाना प्रभारी के द्वारा दी गई, जिन्होंने अविलंब थाना प्रभारी को सही ढंग से और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उसी त्वरित कार्रवाई के दौरान झंडापुर थाना प्रभारी अपने जो बल के साथ प्रवेश किए और तय कि पुलिस को दूर से देख के उसमें रहे अपराधी या जो भी गन थे तो निकल गए। उस जब विधिपूर्वक तलाशी लिया गया, वो जैन कार थी तो उसमें से 3 आर्म्स जिसमें 2 देसी कट्टा, 1 AR-7 पिस्टल असॉल्ट वन और 3 मैगजीन जो मध्यम और बड़ा साइज का था और छोटा साइज का 10 मैगजीन, 20 गोली है और कार का नंबर WB24K3923 है। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किया गया है और सारे आर्म्स को विधिवत सीज किया गया है और कांड संख्या झंडापुर थाना कांड संख्या 4224 दिनांक 6/8/24 दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम लोग टीम लगी हुई है, DIU की टीम लगी हुई है, जल्दी इसका पता लगा लेंगे। सर, गाड़ी के मालिक के बारे में कुछ जानकारी मिली है सर? हम लोगों ने सारा DTO को दिया है, हाँ DTO को दिया है चूँकि WB नंबर है, इसलिए उस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें ये जानकारी भी ली जा रही है कि गाड़ी मालिक के अलावा भी कौन से मिलते हैं, जल्दी हम लोग इसका उत्तर देंगे। सर क्या लग रहा है इसको जो है कि किसी अपराधी हथियार और सप्लायर दोनों का आरोप है चूँकि मैगजीन काफ़ी मात्रा में मिला है, ये दोनों किया सकता है, तो इसमें हम लोग जल्दी फॉलो अप देंगे। अरे तो गिरफ्तारी हो जाती है तो और इसमें खुलासा होता है। भागलपुर की याराना भक्त मंडल के द्वारा कल कांवर यात्रा निकाली जाएगी। याराना भक्त मंडल द्वारा निकाले गए कांवर यात्रा में लगभग 5,000 श्रद्धालु भागलपुर से जल भरकर बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। यह कांवर यात्रा 2011 से लगातार निकल रही है।